गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सो आज हम जो टॉपिक है इसकी वीडियो बनाई थी मेरी मैंने, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि क्लियरिटी आवाज सुनने को नहीं मिल रही है क्वेश्चन की। तो उसके लिए मैं अगेन इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। तो इसका बेसिक तो मैंने आपको समझा दिया था, तो इसका एक बार एक्सरसाइज का क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का टॉपिक है पार्टनरशिप चैप्टर का, तो कैसे क्या करना है, इसका फॉर्मेट मैंने सब कुछ बता दिया है। तो एक बार एक्सरसाइज का क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है कि 1 अप्रैल 2015 को आशा और रुचि टू पार्टनर होते हैं, आपस में मिलकर कोई पार्टनरशिप करते हैं, और वो दोनों पार्टनर, आशा 10 लाख कैपिटल इन्वेस्ट करती है और रुचि 5 लाख कैपिटल इन्वेस्ट करती है, और दोनों कहीं ना कहीं दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, और वो दोनों आपस में एग्री होती है कि हम दोनों जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा फर्म में उसको हम 3:2 में ले लेंगे जो भी प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन भी दे रखी है नीचे, किसने कितनी क्या सैलरी लेनी है, कितनी क्या कैपिटल रेट है उनकी, कितनी क्या ड्रॉइंग है, वो हमें यहाँ पे लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो जो सीबीएसई है उसमें थोड़ा अलग है, एचबीएससी में ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो उसी फॉर्मेट के क्वेश्चन चलेंगे, कोई चीज में ढह नहीं है ऐसा कुछ। तो इसमें हमें सब कुछ बता चुके हैं कि एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट मिलता है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में लिखा जाता है, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो इसमें प्रॉफिट फॉर द इयर्स एंडिंग 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 को जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 3,50,000 का। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, बाई प्रॉफिट कितना, 3,50,000। ये मैं बता चुका हूँ आपको कि जो प्रॉफिट होता है फर्म का वो इस साइड लिखते हैं, जो लॉस होगा वो इस साइड लिखेंगे। तो इसमें कह रहा है फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो कह रहा है कि ईच पार्टनर इज टू बी अलाउड ए सैलरी ऑफ 4,000 पर मंथ, मतलब ईच पार्टनर को, आशा रुचि दो ही पार्टनर है तो प्रत्येक को 4,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। तो इससे तो फर्म या बिजनेस को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और लॉस किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा, लॉस किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। तो यहाँ क्या लिखना हमने, आशा सैलरी टू, आशा सैलरी, तो आशा सैलरी कितनी है, आप सीधा लिखना चाहते हो सीधा लिख दो, टू रुचि सैलरी, रुचि सैलरी। तो इन दोनों जो सैलरी है आशा की कितनी है, 4,000 दे रखी है, हम यहाँ थोड़ा अलग से लिख लेते हैं, 4,000 है पर मंथ, तो ये की कितनी हो जाएगी, 48,000। आप सीधा लिखना चाहते हो सीधा लिख लो, क्योंकि यहाँ थोड़ी जगह नहीं है इसकी वजह से, और यहाँ पे क्या है, टू रुचि सैलरी, रुचि सैलरी, रुचि की सैलरी वो ये 4,000 पर मंथ है, तो ईयर के निकाले कितने आ जाएगी, 48,000 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, तो यहाँ 48 48 करके 96 भी ले सकते थे, ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसके बाद इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 8% पर एनम में सोचो पूरे साल की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर के जो कैपिटल होगी उसमें ब्याज जो मिलेगा वो फर्म के लिए क्या होता है, लॉस होता है, किस सैलरी किस सैलरी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, तो दो ही पार्टनर्स हैं तो यहां लिख देंगे एज कैपिटल, सॉरी आसास कैपिटल एंड रुचि कैपिटल, रुचि कैपिटल, ठीक है। तो आशा के जो कैपिटल दे रखी है वर्किंग नोट्स में बता चुका था आपको, वैसे ही वर्किंग नोट्स आसास कैपिटल कितनी है, एक देना आसान, क्योंकि शॉर्ट में लिख लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ आसास की जो कैपिटल दे रखी है वो है 10 लाख, कितने 10 लाख दे रखी है, हमें 8% रेट दे रखा है, तो कितनी आ जाएगी इसकी, 80,000 आ जाएगी आसास कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे किसकी निकालेंगे, रुचिज की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसकी 5 लाख दे रखी है रुचि, 8% निकालनी है तो कितनी आ जाएगी, 40,000 हो जाएगी, कितनी आ जाएगी, 40,000। तो आसाज की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 80,000, और इसके आगे रुचि की 40,000, टोटल कितना आ जाएगा, 120,000, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक। ऐसे ही लास्ट एंड फाइनल पॉइंट कह रहा है कि इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 10,000 ऑन आसाज ड्रॉइंग एंड 6,000 फॉर रुचि ड्रॉइंग। तो ये कह रहा है कि इसमें आशा और रुचि को जो इंटरेस्ट चार्ज इसमें मिटा रहा हूँ, जगह नहीं है, तो इसमें आशा और रुचि को इंटरेस्ट पे चार्ज देना पड़ रहा है, जो ड्रॉ कर रहे हैं ना, जो पैसे निकाल रहे हैं, तो इससे फर्म को चार्ज देना पड़ेगा। तो ड्रॉइंग पे चार्ज लगता है तो फर्म क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट किसे लिखा जाएगा, इससे लिखा जाएगा। तो यहाँ लिख देते हो
बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो आसास का भी दे रखा है ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ड्रॉइंग और रुचि का भी। आसास ड्रॉइंग क्या देख लो आप, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आसास का दे रखा है यहाँ पे 10,000 और रुचि का जो दे रखा है वो दे रखा है 6,000। तो टोटल क्या होगा ये 16,000। ये क्योंकि इंटरेस्ट ड्रॉइंग है तो ये फर्म के लिए प्रॉफिट है, उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे बस। और इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, बट एक्चुअली में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको 3:2 में दोनों पार्टनर ले लेंगे। तो हम इसको यहीं के क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो इसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा इतना हम लिख देंगे। तो मैक्सिमम आई थिंक यही आ रहा है, कितना आ रहा है, 66,000। मैं बता चुका हूँ जो मैक्सिमम होता है दोनों साइड लिखते हैं, यहाँ भी लिखते हैं 3,66,000। ये लिखने के बाद हम देखेंगे कि अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो डेबिट साइड तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो डेबिट साइड से तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड ज्यादा होती है क्रेडिट साइड क्या होता है, लॉस। बट एक्चुअली में हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 3,66,000 में से अगर हम 120, 96 2,16,000 लेस कर देते हैं, 96 में हो गया 48 और 120 ये हो गया, ये रफ वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 2,16,000 आ गए, तो हमारा बन कितना आ रहा है, इतना मतलब 3,66,000। इसमें से 2,16,000 क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, तो हमारा क्या आएगा 150। हमारा क्या आया, प्रॉफिट आ चुका है, क्या आ चुका है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कौन ले लेगा, आशा और रुचि ले लेंगे, किस रेशियो, 3:2 में ले लेंगे। तो मैं बता चुका हूं, तो यहाँ क्या लिखना, 2 प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन, ये लिख लेना। तो आसास प्रॉफिट कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, रुचि प्रॉफिट, रुचि प्रॉफिट। ये फॉर्मेट में बता चुका हूँ, वर्किंग नोट से थोड़ा सा ध्यान में लेना, क्योंकि तो आसास प्रॉफिट निकालेंगे जो रेशियो है वो 3:2 में करना है, 3:2 में करना है। आशा का 3 है और रुचि का कितना है, 2 है। तो हमें क्या करना है, मैं बता चुका हूँ फॉर्मेट कैसे निकालते हैं। टोटल जो प्रॉफिट है वो 150 है, ठीक है। तो टोटल जो बनेगा इनका कितना बनेगा, 2 and 3 and 2 5। तो मैं बता चुका हूँ 5 upon में into में 3, ये मैं फॉर्मेट बता चुका हूँ, 3 equal to टोटल कितना 5 है। तो 5 equal to 150, 1 पे निकालेंगे तो 150 upon 5 और 3 पे निकालेंगे इंटू क्या करते हैं 3, क्योंकि आसान जो सी एंटी बनाए 3 है। तो आसान प्रॉफिट निकालेंगे तो 150 upon 5 into में 3, तो कितना आ जाएगा आसान शेयर 5 50, तो 90,000 आ जाएगा आसान प्रॉफिट। ऐसे किसका निकालेंगे हम, रुचि का निकालेंगे, रुचि प्रॉफिट। तो 150,000 अपॉन में 5 इंटू में रुचि कितना है, 2 है, तो 5 टोटल है, तो दिखा देंगे 5 50, तो इसका कितना आया हमारा 60,000। तो यहाँ कुछ नहीं करना आपने, 90,000 करना है जो आशा का जो अभी आया है हमारा, और जो 60,000 आया हमारा रुचि का टोटल कितना आएगा, 150,000। ऐसे ही क्वेश्चन हो जाता है। इसका हमें सिर्फ प्रॉफिट ही निकालना था, आशा रुचि का कितना है, तो इस बेस पे ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। ये वर्किंग नोट्स क्या था मैंने यहाँ जो भी है, ये कोई जगह नहीं थी तो इस वजह से यही करना पड़ेगा मुझे, तो आप देख लेना इसको। एक्चुअली में ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, इसी बेस पे होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आ गया तो इजीली पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। तो 2 types के पार्टनर कैपिटल अकाउंट होते हैं, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है और एक करंट या फिर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है, फिर करंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है, करंट भी होता है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी होता है। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ओनली सिर्फ कैपिटल आएगी, फिक्स कैपिटल ओनली। इसके अलावा अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट की बात करें हम, या पार्टनर